बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ। सखी जीवन हमारा ए, सखी जीवन हमारा ए। श्री महामती कहे ए साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु महाराज। प्राणधार सुंदरदास जी, तुम्हारे श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महामती कहे ए साथ जी, ये ठट्ठे की बीतक। अब कहो मस्कत की जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। आए पहुँचे मस्कत में धामधनी, अक्षरातीत ये बीतक के घटनाक्रम के वर्णन करवा रहे हैं। कल के प्रसंग को जोड़ते हुए, कल हमने अंतिम ठट्ठा नगर की बीतक देखी। प्रारंभ में दीव बंदर का जो थोड़ा प्रसंग था वो हमने पूर्ण किया कि कैसे धामधनी अक्षरातीत ने सुंदर साथ की रक्षा की। आगे हमने ये भी देखा कि कितने सुंदर साथ का ईमान वहाँ हिल गया, डगमगाने लगा, और कितने सुंदर साथ इधर उधर की बातें करने लगे कि हम तो गए नहीं थे, कोई कहे कि हम कभी जाएंगे नहीं, कोई शहर में छिप गए। धामधनी बता रहे हैं साथ माहे सैया धाम की, ईमान वाली सिरदार। सुंदर साथ तो वैसे तो बहुत है, तारतम लेने वाले वाणी भी पढ़ते हैं, थोड़ा कुछ ध्यान भी करते हैं, लेकिन जब तक अपना ईमान परिपक्व नहीं होता। चौपाई द्वारा तो हम कई बार बोलते भी है, सुनते भी है। आखिन ना छूटे सुहागनी जो पड़े कोट विघन। करे कुर्बानी तीन कारणे, परीक्षा सबकी होए। इस चौपाई के माध्यम से भी हमने सुना कि खेल में हमारी सबकी परीक्षा हो रही है, इसमें हम कितने पास हो रहे हैं। एक कल हमने दीव के प्रसंग में सुना और 50 से 60 सुंदर साथ ने तारतम ज्ञान ग्रहण किया, निजानंद की सच्ची राह पर भी चल पड़े और आगे ठट्ठा नगर के घटनाक्रम में चिंतामणि जैसे गादीपति मठाधीश बनकर बैठे थे। कैसे श्री जी ने ज्ञान के एक सुर में अपने अंदर जो अहंकार, ज्ञान का अहंकार जो लेकर बैठे थे चिंतामणि, श्री जी ने जैसे ही खंडनी के वचन किए, कठोर वचन किए, कैसे ज्ञान का अहंकार उड़ाया और चिंतामणि ने अपनी आत्मा को जागृत किया। वैसे एक प्रमुख अमीरुल हमारी जो खास ब्रह्मात्मा आसबाई लालदासी के धाम दिल में विराजमान और यहाँ ते ही खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े हाथ। कैसे 99 जहाज सागर में चल रहे थे, जैसे राज्य की मेहर भरी दृष्टि उन पर पड़ी। इसलिए मैं कई बार चर्चा में बोल चुकी कि सुंदर साथ जी, हम इस संसार को हंसते हंसते नहीं छोड़ेंगे तो एक दिन रोते रोते तो छोड़ना ही है। जैसे राज्य की मेहर भरी दृष्टि अभी तो ठट्ठा नगर में पड़ी है, अगर आगे जाके सूरत में जब पहुंचेंगे, वहां जब अनाज का प्रण लिया है, कैसे श्री जी उसका प्राण तोड़ाएंगे और आगे श्री जी के चरणों में बस प्राणनाथ यही है, सतगुरु भी यही है। किस स्वरूप की वो पहचान कर लेंगे। वहाँ से लेकर पन्ना जी तक एक क्षण श्री जी से अलग नहीं होते। इतना ही नहीं, 11-11 साल तक पन्ना जी दरबार में, बंगला जी दरबार में कैसे श्री जी के सानिध्य में पल पल सुख लिया। वैसे तो 36 विभाग की सेवा संभालते थे, तो भी एक क्षण भी श्री जी से दूर नहीं हुए। श्री जी ने कैसे छत्र साया में रखे अपनी, कैसे अपनी नजर तले रखा। इतना नहीं, इस पंच महाभूत तन को छोड़ने के बाद उसकी समाधि, अंतिम लीला भी घूमर जी दरबार के पश्चिम दरवाजे के सामने जो लालदास जी महाराज की घूमटी बनी है, तो ये पंच महाभूत तन अंतर ध्यान विलीन होने के बाद भी श्री जी ने अपनी नेत्रों के, अपनी नज़र के सामने रखा। ऐसी हमारी जो मोमिन खासल खास आसबाई, ये दोनों प्रमुख आत्माओं को जगाते हुए श्री जी मस्कत बंदर में पहुंचते हैं। कहाँ से? लाठी बंदर से पहले ठट्ठा नगर से निकले, ठट्ठा नगर से निकलकर लाठी बंदर और लाठी बंदर से श्री जी अंतिम वायदे शर्त के अनुसार, क्योंकि पहले से मूल स्वरूप की इच्छा थी, हुक्म था, और सीधे कहाँ पहुँचे? मस्कत बंदर में। मस्कत बंदर में यहाँ चौपाई बताई, आए पहुँचे मस्कत में। श्री जी ठट्ठा नगर से नाव से चले, लाठी बंदर होते हुए मस्कत बंदर में नाव से उतरे और किनारे की ओर चल पड़े। जब किनारे की ओर चलते चलते आगे बढ़े तो सागर के किनारे ही माऊजी भाई की दुकान थी। क्या थी? बच्चों इधर की ओर माऊजी भाई की दुकान थी। इस घटनाक्रम से रांची क्या बोध देना चाहते हैं, धामधनी क्या सिखापन देना चाहते हैं। भले ही अलग अलग तनों का नाम लिया, चाहे माऊजी भाई हो, चाहे भैरव सेठ का आगे प्रसंग आएगा, चाहे पूर्व बीतित, चाहे लालदासी का प्रसंग, चिंतामणि का प्रसंग, एक एक घटनाक्रम में राज्य हमारी आत्मा को कैसे प्रबोधित कर रहे हैं। यहाँ जब किनारे की ओर चल पड़े तो मावजी भाई की दुकान थी सागर के किनारे। मावजी भाई की दुकान में जाकर श्री जी विराजमान हुए। मावजी भाई लौकिक शब्द से भी श्री जी को पहचानते थे। प्राणनाथ जी का कोई यहाँ का वर्ग विशेष या कोई व्यक्ति विशेष या कोई लौकिक संबंध के साथ कोई नाता नहीं है, लेकिन वो लौकिक नाते जो मेहराज के साथ के जो संबंध थे उसी के साथ से वो पहचानते थे। और जैसे श्री जी को देखे इतने प्रभावित हुए, इतने अंदर से आनंदित हुए और सीधे ही दोनों गले मिले। इतना नहीं, आगे मावजी भाई भी सौभाग्य से वो लोहाना क्षत्रिय थे, इसलिए लौकिक बात भी पूछी और आगे कुशल मंगल भी पूछे कि आप ठीक तो होने, इतनी दूरी से आप यहाँ आए, आप ठीक हो और यहाँ आए तो हमारे लिए बहुत खूब धन्य धन्य है हमारे दिन, आज के दिन, आज के समय, अब की घड़ी। और श्री जी वहाँ चर्चा प्रारंभ कर देते हैं। माऊजी भाई अपने निवास स्थान के पास श्री जी और सुंदर साथ को ठहरने की व्यवस्था भी कर देते हैं। इतना नहीं, माऊजी भाई के दिल के अंदर सुंदर साथ के प्रति इतना भाव है। सुंदर साथ जी एक एक प्रसंग को देखकर आपको एक एक वचन पर विचार करना है कि देखो जब माऊजी भाई की, जब श्री जी के साथ लीला चल रही है तो किस आधार पर उसने पहचान की, कैसे सुंदर साथ की सेवा कर रहे हैं, तो हमारा भी क्या कर्तव्य बनता है। अभी तो श्री जी ने बस वहाँ प्रवेश किया, अभी तो मिले हैं, यहाँ आदर पूर्वक सुंदर साथ को भी बुलाया और उसकी भी सेवा में माऊजी भाई लग गए। और वहाँ श्री जी ने चर्चा भी प्रारंभ कर दी और पहले ठट्ठा नगर का वृत्तांत सुनाया, घटनाक्रम सुनाया। और ठट्ठा नगर के घटनाक्रम सुनाते सुनाते सुंदर साथ जी वहाँ कौन कौन बैठे हैं, जो विश्वनाथ भाई, जो अरब लुटेरे, मैंने कल भी बताया था कि दीव पर जब चापा मारा, कौने, किसने मारा, अरबी लुटेरे ने, तब तेजपुरी सहित कई सुंदर साथ को जब्त कर लिया था। तो वहाँ जो सुंदर साथ जब वहाँ कैद में थे तो उसी के जो सगे संबंधी रिश्तेदार थे उसने पैसे देकर छुड़वा लिया है। इसमें कौन कौन से, विश्वनाथ भट्ट है, राधाबाई है, रूपाबाई है, ये सब सुंदर साथ वहाँ आकर श्री जी को मिलते हैं। और सब सुंदर साथ को श्री जी पूछते हैं कि जो बंधन में पड़े हुए सुंदर साथ की क्या स्थिति है, कैसा हाल है। तब विश्वनाथ भाई सब बताते हैं और राधाबाई, रूपाबाई भी बताती है कि सब सुंदर साथ अभी ठीक है, क्योंकि वहाँ कोई कष्ट नहीं दिया जाता था। वो लोग एक ही उद्देश्य से उसको बंधन में रखते थे कि क्या, कि बस इन्हीं लोगों के सगे संबंधी रिश्तेदार पैसा देकर यहाँ से छुड़ा के ले जाए। तो बस यहाँ सब समाचार पूछा। वहाँ रूपाबाई, राधाबाई भी हाजिर थी। तो सुंदर साथ जी रूपाबाई, राधाबाई का यहाँ जो प्रमुख भूमिका है, तो इस महिला जो सुंदर साथ है, स्वरूप दे सुंदर साथ है, उस महिला सुंदर साथ की क्या सेवा रहेगी। आगे हम नलिया में सब जगह देखेंगे। तो सुंदर साथ जी यहाँ जो भी आज महिलाएं जो भी सुंदर साथ बैठे, चाहे कोई पुरुष तन में हो चाहे कोई महिला तन में हो, सबने अपने अपने सिर पर ही ये विचार को लेना है और ये सिखापन को लेना है और हमारे जीवन में कैसे बदलाव आए। जो हमारे सुंदर साथ, मैं इसलिए इतना विस्तार से बता रही हूँ कि मैंने जब गांगजी भाई के घर की बित्तक रखी थी चाकला मंदिर की, जामनगर की, ठीक है, तब सबसे पहली महिला सुंदर साथ कौन थी? पुरुष सुंदर साथ तो गांगजी भाई थे, महिला सुंदर साथ कौन थी? हीरबाई। कौन थी? हीरबाई। हीरबाई वैसे तो फिर बहुत ही मतलब सेवा में अग्रगणी, पहचान में भी आगे। तो जो हीरबाई, तो देखो इससे पहले मैं और आगे जाऊं, जब छत्रसाल जी वहां से पहले महिला सुंदर साथ किसको भेजते हैं? तेजस्वी बाबा के साथ केसर बाई को, ठीक है, केसर बाई को। तो जो हमारी निजानंद संप्रदाय की नींव है, मैं एक एक घटनाक्रमों को क्यों याद दिला रही हूं कि नींव में भी जो केसर बाई ने ये जागणी प्रचार का जो काम किया, सिर्फ गद्दी पर बैठ के कोई ऐसा वैभव सुख या वो नहीं काम किया, वहाँ से जो जागणी प्रचार का जो काम किया। और आगे हीरबाई भी हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है, तेजबाई जो पहले फुलबाई थी वो, और आगे जैसे जैसे सुंदर साथ का नाम आता जाएगा। और अभी तक हमने बहुत से महिला सुंदर साथ का नाम सुना, और यहाँ जो रूपाबाई और राधाबाई का भी आपने नाम सुना, वो भी श्री जी की चर्चा सुनते ही यहाँ, कहाँ? मस्कत बंदर में। और चर्चा इतनी मीठी लगती है, इतनी मीठी लगती है कि वो अपने प्रेम में, राज्य के प्रेम में वो डूब जाती है। इतना नहीं, अपना सब कुछ श्री जी के चरणों में समर्पित कर देती है। कौन? राधाबाई और रूपाबाई। और श्री जी वहाँ ठट्ठा नगर का घटनाक्रम वर्णन करते करते बीच में ऐसे ही जोश में चर्चा करने लगते हैं कि सबको ये अलौकिक ज्ञान की चर्चा इतनी मीठी लगती है कि सब तन्मय होकर, एक रस होकर सुनने लगते हैं। आगे बताया कि बहुत से सुंदर साथ ये चर्चा सुनने लगे और ये चर्चा का जो प्रवाह पूरे नगर में फैल गया, ये चर्चा का प्रवाह पूरे नगर में फैल गया। और इतना नहीं, ये चर्चा सुनने के लिए एक से दूसरे सब जगह और हर जगह सुंदर साथ तारतम ग्रहण करते जाते हैं, चर्चा सुनते हैं। और हमारी निजानंद जो जमात है सुंदर साथ की, उसी के अंदर शामिल भी हो जाते हैं। कल दीव बंदर में भी देखा, ठट्ठा नगर में भी हम कई सुंदर साथ के नाम जाने और पहचाने। और आगे आज हम सुंदर साथ जी मस्कत बंदर के घटनाक्रम में हम आगे बढ़े। तो यहाँ राज जी ने क्या बताया कि चर्चा सुनते सुनते बहुत से सुंदर साथ सुनते हैं, और सुनते सुनते आगे बताया कि माऊजी भाई को थोड़ी कुछ, देखो पूर्ण पहचान नहीं हुए राज जी एक एक प्रसंग को। और अभी हम किस पर घटाएंगे, दीदी लोग को मैं पूछ रही हूँ, हम किस पर दीदी घटाएंगे? हम अपने को भीतर जाके पूछे, हम आत्म मंथन करें कि सुंदर साची हमारी पहचान, हमने भी 40 साल से तारतम ले लिया, 20 साल से ले लिया, इतने समय से वाणी पढ़ रही हूँ, ध्यान भी कर रही हूँ, तो हमारी पहचान कहाँ तक पहुँची। श्री जी ने जो बीतक के घटनाक्रम में एक एक सुंदर साथ का नाम लेकर बताया कि इतने सुंदर साथ की जागनी हुई, इतने सुंदर साथ की आत्मा जागृत हुई, और थोड़ी कुछ किसी ने पहचान की, थोड़ी ने पूर्ण पहचान, थोड़े सुंदर साथ ने पूर्ण पहचान कर ली, थोड़े कोई थोड़े दिन के लिए रुके, थोड़े वहाँ से चले गए। ये पन्ना जी तक चलता रहेगा। तो ये किसकी भी तक है, ये किसकी भी तक है सुंदर साथ जी? आगे आया था ना प्रथम दिन की बीतक में, ये देवचंद्र जी ये बीत तक सब अपनी है, मेरो तेरो सब नाम। तो तभी उसी टाइम के वो सुंदर साथ का नाम लिया। आज किसको बता रहे धाम धनी? हम सबको। ठीक है, प्रबोधित किसको कर रहे दीदी? हम सबको। तो यहाँ माऊजी भाई को थोड़ी कुछ पहचान हुई, अभी पूर्ण नहीं हुई है। और ऐसे करते करते 10, 15, 20 दिन हुए, चर्चा का प्रवाह और आगे बढ़ने लगा। तभी वहाँ दज्जाल, दज्जाल किसको कहते हैं? कोई व्यक्ति का रूप नहीं लेंगे, मानव मन में, ध्यान से बच्चों, मानव मन में छिपा हुआ जो अज्ञान है, जो अहंकार है। मैंने कल भी बताया था ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्षा, द्वेष, तृष्णा, राग, कितनी अग्नियां जल रही है बिना धूप सलीके, जल रही है ना अंदर विकारों की। और कल चिंतामणि के कैसे अहंकार को श्री जी ने समाप्त किए। यहाँ भी धामधनी क्या बता रहे हैं कि जैसे ही ज्ञान का प्रचार होगा तो सामने अज्ञान खड़ा ही होगा। जैसे दिन है तो पीछे रात है, सुख है तो पीछे दुख है, सत्य है तो पीछे असत्य है। तो यहाँ जब ज्ञान फैलने लगा, वाणी का अवतरण शुरू होने लगा, तो यहाँ विरोधी लोगों ने क्या कर शुरू कर दिया? कई दज्जाल का रूप ले लिया किसी के मन में बैठकर और विरोध करना शुरू कर दिया। और उस दिल में ये भी आया कि चलो हम इन लोगों के साथ, जो महात्मा ये पूरी जमात आई है उसके साथ हम लड़े, हमारा ही बल चलेगा। और ये भी विचार करते थे कई कई लोग तो दज्जाल के रूप में कि हाँ पता है उसी के पास बहुत आत्मिक बल है, कदाचित हम उसके साथ लड़ेंगे तो हमारे मन को भी बदल देंगे। तो भी फिर अंदर बैठी हुई अज्ञानता ने विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन जहाँ राज जी का वरद हस्त है, जहाँ राज जी की मेहर भरी दृष्टि है, जहाँ आप तहाँ नजर, सुंदर सा जी नजर बिना और मतलब मेहर बिना और सब जहर है। मतलब मैंने एक दिन बताया था कि हम पूरा दिन सुंदर सा जी संसार में हम राज्य के ध्यान से, राज्य के ज्ञान और प्रेम की राह को छोड़कर हमारी धामधनी की जो वाणी है, ठीक है, और जो प्रेम की राह मतलब ध्यान चितवनी छोड़कर संसार के हम जितने भी काम करें, मैं नहीं कहती हूँ कि काम को छोड़ दो, मतलब सब नश्वर है, उसका रिजल्ट सब नश्वर है, उससे कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं है। बस राज्य की वाणी में प्रेम है, राज्य की वाणी में आनंद है, और राज्य की वाणी में सुख है और शांति है। तो यहाँ जिस पर राज्य की मेहर भरी दृष्टि पड़ती है वहाँ कोई बिगाड़ नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं चलती। और वैसे ही राज्य ने क्या बताया वाणी में कि असराफिल जबराइल दो भेज दिए आमर निके वाणी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। क्या बताया? असराफिल जबराइल दो भेज दिए आमर, मतलब एक एक ब्रह्मात्मा के अंदर दो दो फरिश्ते, दो दो शक्तियाँ बैठी है। ये उसी पर तो 5-5 और भी फरिश्ते उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसका कौन बिगाड़ेगा? तो सब सुंदर साथ जब चर्चा, चितवनी, सेवा की जो सेवा वहाँ चल रही है, चर्चा का सुख ले रहे सुंदर साथ जी, चितवनी का सुख ले रहे, और भी कई प्रकार की सेवा चल रही है, सब अब आनंद में, सब आनंद में वहाँ सुख ले रहे, अपने अंदर डूबकर मस्त बनकर सब सुख रहे, किसी और की किसी को परवाह ही नहीं है। और आगे बताया धामधनी ने कि तब वहाँ 3-4 किरंतन उतरते हैं। कितने बच्चों इधर की ओर कितने किरंतन उतरते हैं मस्कत में? 3-4, ठीक है। तो पहला किरंतन, इंद्रावती तो अपनी आत्मा को लेकर संबोधित करते हुए कहेगी, लेकिन अब हम अपनी आत्मा पर लेंगे। हे आत्मा, इंद्रावती अपने आत्मा को लेकर कह रही है कि इस दुनिया को अलो तू क्या पुकार कर रही है? तू अपने को संभाल, ये दुनिया तो सब सियानी है, वो अपनी माया में मस्त है। तू अपने को संभाल, इस संसार के जीव क्या तेरा सुन रहा है? और दूसरे किरंतन में, रे वो दुनिया बावरी खोवत जन्म गवार, मदमाती माया की इच्छा की सुनत नहीं पुकार। रे वो दुनिया बावरी, ये संसार के सभी प्राणी मोह में फंसे हुए हैं। मैंने कल भी बताया था, पांचों इंद्रियों के स्वाद में ऐसे ही फंसे हैं कि अपना मानव जीवन एक अक्षरातीत परब्रह्म से विमुख होकर ऐसे ही अज्ञानता के अंधेर में गंवा रहे हैं। और धामधनी किरंतन ग्रंथ में आगे भी कई प्रकरणों में बताया है कि आओ अवसर के म भूलिए एक कोड़िया अन्न। खाना तो कितना है, इतने 2 रोटी के टुकड़े और थोड़ी सब्जी, बस 4 बाई 5 की पाई पर, बस 4 पाई पर लेटना है। और कितना पूरा दिन बस संसार के पीछे पागल हो गए। इतना नहीं, मेरी मेरी करत दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाँव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को ना देवे। और यहाँ बताया कि मान खेदे अखंड फल पाइए, पाई के क्यों वृथा गमाइए। हे मनुष्य, तेरे को कितना श्रेष्ठ, कितना मूल्यवान, एक हीरे के रत्न के समान ये मनुष्य जीवन मिला है, और तूने ये संसार के कार्यों में कैसे अपना जीवन लगा दिया है। और आगे तो इंद्रावती अपनी आत्मा को कहती है कि ये सब तो सियाने हैं, संसार के लोग बुद्धिमान है, वो अपनी माया में मस्त है। सबको 10 का 1 का 10 करना तो आता है, लेकिन इस संसार में कोई ऐसे वीर्य है कि 10 को 1 करता है। इस संसार में 1 को 10 करना तो सबको आता है, लेकिन 10 को 1 करना इस संसार में कोई ऐसी महान आत्मा, कोई वीर्ला है कि 1 को 10 नहीं, 10 को 1 करता है। तो हे आत्मा, तू अपने को संभाल, और रे मन न तो भूल महामत। इस प्रकरण में भी क्या बताया कि हे मन, तू अपने को संभाल, अपनी आत्मा को संभाल, अपने धनी को संभाल, मतलब अपने धनी को याद कर, अपने निज स्वरूप को याद कर। ये संसार को नहीं लगी है, वो तो बस कर्मकांड अपना नहीं छोड़ेंगे। तेरे को तो अपने प्रियतम के विरह का ताप है, तेरे अंदर तो धनी को मिलने की अंदर एक तड़प जगी है, एक विरह जगा है। इतना नहीं, और आगे बताया, चलियो जुग जाय रे सुध बिना, चलियो जुग जाय रे सुध बिना, सुध बिना सुध बिना सुध बिना, चलियो जुग जाय रे सुध बिना, मूल प्रकृति मोह अहम थे उपजे तीनो गुण। सो पाचो में प्रसरे हुई अंधेरी चौदे भवन, चलियो जुगा जाय रे सुध बिना, चलियो जुगा जाय रे सुध बिना। या धामधनी अक्षरातीत मामती के धाम दिल में बैठकर क्या बता रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, महामती अपने स्वरों में कह रही है, हे सुंदर साथ जी ये संसार के प्राणी शुद्ध बिना शुद्ध बिना शुद्ध बिना, बस किसी को कोई सुधि नहीं कि मैं कौन हूँ कहाँ से आया हूँ, ये शरीर और संसार को छोड़ने के बाद जाना कहाँ है, मैं परब्रह्म कहाँ है तो कैसा है, उसके धाम स्वरूप लीला, और इतना नहीं इस परब्रह्म को प्राप्त करने का मार्ग क्या है। तो वैसे कठिन तम ऐसे बहुत से प्रश्न है, लेकिन संसार के जीव को तो यही नहीं मालूम है कि मैं कौन हूँ, क्या मैं शरीर हूँ, मैं गुण अंग इंद्रिया हूँ, क्या मैं अंतस्करण हूँ, क्या इससे परे कोई जीव हूँ, कि जीव से भी परे शुद्ध मैं निर्मल पवित्र आत्मा हूँ। चलो आज तो संसार में अनेक मत पंथ चल रहे, सब आत्मा आत्मा आत्मा, कहीं राधा स्वामी मत लो, निरंकारी लो, ब्रह्मा कुमारी लो, ऐसे कई संप्रदाय, ऋषि रविशंकर, ओशो मतलब रजनीश, या पुष्टि मार्गीय या राधा वल्लभी मार्ग वाले या स्वामीनारायण संप्रदाय, ऐसे बहुत से मत इस संसार में चल रहे, सब आत्मा आत्मा की तो बात करते हैं, लेकिन ये आत्मा के अनादि आदि नहीं, ध्यान से आदि नहीं, जो बनता है वो एक दिन मिटने वाला है। नारायण से जो सृष्टि पीछे की चौपाई में बताया कि मूल प्रकृति मोह हम थे उपजे तीनों गुण, इस मोह सागर से एक नारायण के संकल्प से जैसे हजारों प्राणी बन जाते और मिट जाते हैं, जो बना है एक दिन लय होने वाला है। ये नहीं वो जो नारायण को मानकर अपने प्रियतम मानकर उसकी सेवा और आराधना करे, ये नहीं, ये आप क्या बताया कि आत्मा के अनादि प्रियतम कौन है ये किसी को नहीं पता है। और आगे चलियो जुग जाए रे, तो ये नहीं जो पता है कि आत्मा के प्रियतम कौन है, तो ये प्रियतम के घर का कैसे पता लगेगा। और आखिर के जो तीन प्रश्न और है कि परब्रह्म कैसा है, उसका स्वरूप जो नूरी है, वेद से तो वेदों में बताया कि आदित्य वर्ण और शुक्र ज्योतिर्मयी ऐसे कहकर प्रकाशमान कह के बताया, लेकिन कैसा है जो त्रिगुणातीत है, ये हड्डी मांस से रहित है, तो कैसा है शुद्ध प्रेममय स्वरूप, आनंद के स्वरूप, एक कोई बता नहीं पाए। ऐसे तीन चार किरंतन कहाँ उतरते हैं बच्चों, कहाँ के घटनाक्रम में हम आगे पहुँचे हैं, मस्कत बंदर में। और आगे यहाँ बताया कि माऊजी भाई ये किरंतन के भाव सुने, और ये चर्चा जब श्री जी की सुनते थे तो उसके अंदर उसके आध्यात्मिक का थोड़ा कार्य हुआ, मतलब थोड़ा काम बना, अभी पूर्ण पहचान हुई नहीं है। तो एक दिन श्री जी को विचार आया, मतलब अंदर से एक विचार आया, उसने क्या सोचा कि माऊजी भाई इतने समय से सुंदर साथ के बीच में रह रहे हैं, लेकिन अभी तक किसकी बात है, माऊजी भाई की क्या, अभी तक पहचान की नहीं है। हमारा यही हाल है ना, हम भी कई सालों से सुंदर साथ के बीच में, और कितने कार्यक्रम अटेंड किए होंगे, कितने बार। मैं तो चलो ये तो बार बार बोलती हूँ, आज एक और बात बताऊँ, कितने समय से सेवा पूजा करते करते कितनी बार राज्य के पास मत्था टेके हो गए, कितनी बार राज्य को धोखा दिया, कितनी बार राज्य के साथ छल किया, कैसी फॉर्मेलिटी के प्रणाम कर लेते हैं, पता नहीं अंदर कोई पीड़ा नहीं है, कोई दर्द नहीं है। यहाँ बाबूजी भाई के प्रसंग से क्या प्रबोधित कर रहे हैं राज्य कि एक दिन राज्य को विचार आया, तो क्या अभी राज्य हमारे सामने नहीं है, हम जब राज्य के सामने मंदिर में मत्था टेकते हैं तो राज्य अंदर मंद मंद हंसते नहीं होंगे कि ये मेरे पास आई तो है लेकिन मन कहाँ लगा है। तो राज्य क्या चाटा हमको नहीं मारते होंगे, चलो उसको तो एक जाहिरी चाटा मार के पहचान कराई, और पहचान होगी हो भी गई। हमारे मतलब इतने समय चले गए, एक एक कदम पर क्या हमारे पर चाटा नहीं पड़ रहा है। माया के कोई पर कार्य को लेकर आप अपने खुद सोचे। यहाँ राज्य ने पहचान कराने के लिए एक जाहिरी चाटा मारा। तो यहाँ भी तभी प्रत्यक्ष स्वरूप लीला कर रहे थे। ध्यान से सुनिए सुंदर साथ जी, आज ज्ञानमय साक्षात ये राज्य है, साक्षात ये राज्य के स्वरूप है। तो उसी को हम जब सामने प्रणाम करते हैं तो क्या हमारे दिल में कभी हमने इसी स्वरूप, ये स्वरूप को क्या इसी भाव में बैठाया धाम दिल में कि देखो जो धाम दिल में मैं अंदर स्वरूप को अखंड कर रही हूँ, वही तो ज्ञानमय स्वरूप मेरे सामने मंदिर में है, मैं कैसे उसी के साथ छल कर पाऊंगी। जैसा बाहर होते वो ऐसा ही दिल होना चाहिए। तो यहाँ राज्य ने मावजी भाई को आगे कैसे पहचान करवानी है, ये आगे धामधनी घटनाक्रम में बता रहे कि श्री जी को एक दिन लगा, इतने दिनों से वो चर्चा सुन रहे, आज 12वां दिन है कितना, लेकिन अभी पहचान की कितना दिन हुआ, 12वां दिन है, लेकिन अभी पहचान हुई नहीं है। तो श्री जी ने खंडनी कर दी, किसकी, हमारी माऊजी भाई नहीं, किसके खंडनी की बच्चों, हमारी। अभी इसी समय किसकी खंडनी करे राज्य, हमारी, क्योंकि वो तो जग गए। खंडनी की माऊजी भाई को बहुत बुरा लगा, दुख लगा, और अपने घर जाके उसने क्या किया, वो दुकान पर चले गए और अपने बेटे कांजी को घर पर रख दिया, और मन ही मन अंदर सोचने लगे कि अरे मैं इतने समय से राज्य की सेवा करती आ रही हूँ, सेवा पूजा करती हूँ, कितने बड़े बड़े बाघा वस्त्र श्रृंगार सजाती हूँ, इतने सुंदर साथ घर पे आते, और रोज यहाँ भोजन प्रसाद भी बनाती हूँ भंडारे में, मतलब ये हमारे पंडाल में देखो, और इतनी मैं सेवा करती हूँ, चर्चा का सुख देती हूँ, चितवनी का सुख देती हूँ, और राज्य ने मेरी ही खंडनी की, और कोई नहीं नजर में आए, इतने बैठे हैं। क्या सोचा, इतने सुंदर साथ बैठे हैं तो क्या कोई नजर में नहीं आया, और मेरी ही खंडनी कर दी राज्य ने। सुंदर साथ जी, राज्य की तो लात में ही प्रेम है, समझ में आया, राज्य की तो डांट में भी प्रेम है और लात में भी प्रेम है। राज्य कदाचित हमारे पर तो शायद दृष्टि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी पात्रता ही नहीं बनी है, योग्यता ही, जिसकी पात्रता बनी है, जिसकी योग्यता बनी है, उसी पर तो नजर करेंगे। अभी मैं थोड़ी देर पहले कमरे में सोच रही थी, ऐसे सोच बैठे बैठे कि राज्य इतना बड़ा संसार है, हजारों करोड़ों प्राणी, मतलब व्यक्ति, यहाँ बहुत से प्राणी है, उसमें से चुन के चयन करके मेरे को तूने चुना, तो खुश होना चाहिए या बुरा लगना चाहिए। कदाचित राज्य यहाँ से किसी के माध्यम से कुछ कहलाए या कुछ भी बोले तो बुरा लगना चाहिए या अंदर से जीवन को बदलना चाहिए। देखो इतने बड़े संसार में राज्य की नज़र तो सब पर समान है, लेकिन उसमें से चयन किसका किया? हमारा। तभी तो लात पड़ी। हम तो रोज यही चाहे सुंदर साथ जी कि राज जी हमको भी चाटा मारो, अभी कोई ऐसे नहीं कर रहे हो ने, तभी तो शांति से सुख चैन से हम बैठे हैं। और उसको बुरा लगा और बोले कि अरे मैं इतनी सेवा की, इतने सुंदर साथ मेरे घर में इतने दिनों से पधारे, इस सब सुंदर साथ की मैं सेवा कर रहा हूँ और मेरे को श्री जी ने खंडनी के वचन किए। तो माऊ जी भाई सुंदर साथ जी चर्चा में नहीं बैठे, दूसरे दिन चर्चा में नहीं बैठे और अपनी दुकान में जाके सो गए। और राज जी जोश के स्वरूप में आए और ऐसे ही कसकर चाटा मारा। और क्या बोला राज जी के जोश के स्वरूप ने? अंदर से हो रहा है, कोई बाहर से कोई नहीं आया। मैंने कल भी बताया था कि राज जी कोई मंदिर में नहीं बैठे, राज जी सुंदर साथ के दिल में बैठे, ज्ञान स्वरूप में तो बैठे, लेकिन सिर्फ एक ही जगह नहीं बैठे हैं। समझ में आया? आप एक एक प्रसंग से आप अंदर गहरा चिंतन करो। यहाँ राज जी अंदर से ही बोलने लगे, अंदर से मन ही मन विचारने लगे माऊ जी भाई, लेकिन अंदर से राज जी ने क्या बोला? अरे मैं तेरे को कितने पंथ काट कर जगाने के लिए आया और तू क्रोध करके दुकान में जाके सो गया क्या? और राज जी ने इतना बड़ा प्रोग्राम लगाया, इतनी सुविधाएं, इतना पंडाल का रसोई घर का खर्च, और हम आके यहाँ भी ऐस आराम से हम सो रहे और बार बार बच्चों बुलाने के लिए आए और हम कमरे से भी बाहर ना निकले। कितनी शोभनीय बात है ये। क्या बताया राज जी ने? यही तो है वाणी, यही तो बितक है। हमको जीवन बदे बितक क्या है? हमारी रहनी तो है, वाणी को खोलने की चाबी है, कुंजी है ये बितक। कसकर चाटा मारा और क्रोध से बोले कि अरे तू दुकान में आके सो गया क्या? जल्दी से एकदम कंपमान होने लगे और कांपने लगे, एकदम उठ गए और चौंक गए। चौंकने के बाद विचार करने लगे कि अरे मेरे गाल पर अभी किसने चाटा मारा? वहाँ तो जाहिर ही मारा था। हमारे तो मैंने बोला ने कदम कदम पर राज जी समझा रहे हैं, ये जागने का अंतिम समय चल रहा है। अरे मेरे को किसने चाटा मारा? फिर अंदर विचार है कि हे राज जी मैंने कितनी बड़ी ये भूल कर दी, कितना बड़ा अपराध किया, कितनी बड़ी गलती कर दी। जल्दी जल्दी सुबह सुबह तड़के कहाँ पहुंचे? जहाँ श्री जी ठहरे थे। तो देखो वहां राज जी थोड़ी आए थे, अंदर से ही तो सब कुछ लीला हुई। और वहां पहुंचे और सीधे दरवाजा खटखटाने लगे और विनती के स्वर में बोलने लगे कि धनी दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। श्री जी ने दरवाजा खोला और सीधे ही दंडवत प्रणाम करके अपना सिर श्री जी के चरणों में झुका दिया और अपनी क्षमा मांगी कि धनी मैं पहचान नहीं पाई। जब मैं परसों बोली थी ना कि मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान, सो रोऊ में याद कर कर जो मारे हेत के बान, धनी में पहचान नहीं पाई, आप स्वयं आए मेरे को जगाने के लिए। तो लगी किसको है? राज जी को। वो सब कुछ करेंगे, चाहे चांटा मारे, चाहे खंडनी के वचन बोले, चाहे कठोर वचन बोले। सुंदर साथ जी दृष्टांत तो नहीं देना चाहिए, एक संसार के यहाँ के हमारे यहाँ के एक लौकिक संबंध के नाते भी यहाँ एक पत्नी पर पति कितना वर्चस्व जमा के रखते हैं और पूरा जीवन एक पत्नी उसकी पैरों के तले दबकर रहती है, कितना डरती है। देखो इतना वो वर्चस्व जमाता है। तो देखो ये धनी पर तो हमारा सर्वोच्च अधिकार है, पूर्णपणे अधिकारी इस लौकिक नाते के साथ मेरे को बराबरी नहीं करनी चाहिए। मैं क्या कह रही हूँ कि राज्य को हमारी लगी है, राज्य हमको जगाने के लिए मतलब आए, वो अपने पूरे अधिकार के साथ कि मेरी रूह कहीं फंस ना जाए। हम इंद्रावती की तरह तो नहीं कर पाएंगे कि मेरे बस की देल वाला रे आमसी अलगा के मकरी था सो। ये तो इंद्रावती ने बस की है अपने, वो तो एक क्षण अलग नहीं है। और हमारे लिए राज्य पीछे पीछे भाग रहे हैं और सुंदर साथ जी इंद्रावती मतलब हम राज्य के पीछे भाग रहे हैं और राज्य आगे आगे जा रहे हैं। इंद्रावती जब आगे है तो राज्य उसके पीछे भाग रहे हैं। और इंद्रावती ने कैसे अपने वश किया, यहाँ माऊजी भाई ने अपनी क्षमा मांगी और पूर्ण रूप से चर्चा सुनने में चितवनी में वो तैयार हो गए। और उसी के बाद वो रोज ही नित्य क्रम के अनुसार चर्चा सुनने लगे। इतना परिपक्व हो गए कि अपनी ध्यान की अवस्था में गहन अवस्था बना ली और रोज बस सुंदर साथ की सेवा, क्या सेवा, बस चर्चा, चितवनी और सुंदर साथ की भोजन सामग्री आदि की सब सेवा में वो लग गए। और वहाँ भी कौन दज्जाल बने, घर परिवार के लोग दज्जाल बने। वो उसने विरोध उठाया, क्या बोला कि अरे भाई तुमने उसके पीछे क्यों लगा दी है। लेकिन यहाँ माऊजी भाई ने पहचान कर ली, उसने उसी की ओर देखा भी नहीं कि घर के लोग तो बड़बड़ाने भले लगे लेकिन मेरे को तो धामधनी ऐसे ही बस कुछ नहीं किया, सरल मिल गए। तो मेरे को बस उसी के चरण कमल, इसी के सिवा इस दुनिया में मेरा कुछ नहीं है। वैसे ही माऊजी भाई ने पहचान कर ली और सुंदर साथ जी इस घटनाक्रम में आगे बढ़े। तो वहाँ से बहुत से सुंदर साथ की मस्कत बंदर में जागनी होती है और आगे श्री जी जब अबासी बंदर की ओर चल पड़ते हैं, कहाँ, अबासी बंदर की ओर चल पड़ते हैं। तो अबासी बंदर की चौपाई को हम आगे बढ़े और दोहराए। और अबासी बंदर की ओर जाते तब वहाँ मस्कत में क्या लीला होती है। एक जो अरबी लुटेरे जो सुंदर साथ तेजबाई सहित सबको जब्त करके ले गए थे, वो अरबी लुटेरा रोज ही वो कारागृह से किसके पास आते थे, श्री जी के पास, जहाँ चर्चा चलती थी। और आके क्या बोलते थे कि तुम लोग तो ऐसे ही शांति से बैठे हो, आपके लोग जो वहाँ हमारे बंधन में पड़े हैं, क्या उसको छुड़ाने की चिंता आपको नहीं है, आप उसको छुड़वा लो, उसी की ओर सावधान हो जाओ। तब श्री जी ने क्या जवाब दिया कि मैं उसकी चिंता क्या करूं, उसी के सिर पर तो पर ब्रह्म स्वयं है, उसके रक्षा तो कौन कर रहा है, स्वयं अक्षरातीत धाम के धनी, मैं क्यों उसकी चिंता करूं। इतने वचन जब वो जो दरोगा बार बार आता था उसने ये वचन सुने श्री जी के तो वो इस दंग रह गया, वो नतमस्तक हो गया कि अरे इतना बल कि उसी को तो कोई चिंता ही नहीं है छुड़ाने की। लेकिन वो किस लिए आता था, वो रोज बोलता था तो यही कि चलो पैसे देकर छुड़वा लो, लेकिन वो इसी बहाने चर्चा सुनने के लिए आता था, चर्चा सुन के श्री जी को धन्यवाद भी देता था। और इतना नहीं, उसको इतनी अच्छी चर्चा मीठी लगती थी कि क्या बोलते थे कि ओहो इतनी अच्छी चर्चा, इतनी ऊंची चर्चा कर रहे हैं। और आगे भी खुदा ताला परब्रह्म को भी धन्यवाद देते हुए कहते थे कि हे खुदा ताला, हे अल्लाह ताला, रहमत की तूने मेरे पर कृपा की कि यह अगाध ज्ञान, यह अलौकिक ज्ञान मेरे को सुनने को मिला। तो ये भी रोज इसी बहाने आया करता था। उसने भी यह अलौकिक मीठी ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुनी। सुंदर साची जिसके नसीब में होता है वही सुन पाता है, बाकी तो आने के बाद भी कोई और माया घेर लेती है, फिर घर पे वापस चले जाते हैं। यहाँ देखो आ रहा है बहाने के माध्यम से और अलौकिक ज्ञान की चर्चा सुन रहे हैं। और कई बार सुंदर साथ वही तो विचार लेके आते हैं लेकिन फिर सुन नहीं पाते हैं। और बार बार आएगा कि चर्चा में सोई आवत है, जाके धनिये पकड़े हाथ। ये चर्चा में जो तुम बैठे हो ने अपनी अपनी खुद की इच्छा से नहीं आए हो, ये राज जी ने आप पर मेहर की है। और राज जी देखो आज हमारी गुजरात से भी सुंदर साथ आए, राज जी चेक वहाँ से हाथ पकड़कर यहाँ तक लाए हैं। बस उसका शुक्रिया मनाओ, उसको थैंक्स धन्यवाद कहो कि धाम धनी तेरी हमारे पर दृष्टि पड़ी, हम इतनी दूरी पर चर्चा सुनने के लिए तेरे चरणों में बैठे हैं। यही बात किसने सुनी? अबासी बंदर में जो एक धनाढ्य भैरव सेठ रहते थे, उसने ये बात सुनी कि सब जाति के लोगों को, ध्यान से, सब जाति के लोगों को अपनी अपनी जाति वाले लोगों ने छुड़वा लिया है बंधन से, सिर्फ मेरी लोहाना क्षत्रिय जाति के लोग में ये सुंदर साथ बंधन में है। तो चलो मैं भी अपनी जाति में प्रतिष्ठा या मान, ऐसे ना कोई लोग ऐसे भी सेवा करते, चलो कोई भी भाव से करो लेकिन करो। यहाँ भी ऐसा होता ना कि भाई हम सेवा तो करेंगे लेकिन हमारी तख्ती कमरे पर लगनी चाहिए। मतलब हमने 3 लाख दिया एक कमरे बनाने के लिए, कक्ष बनाने के लिए, तो हमारी तख्ती वहाँ लगनी चाहिए। या मंच बड़ा लगे भंडारे का, तो सम्मान के लिए, फूल माला के लिए मंच पे हमको भी बुलाना चाहिए। हमारा सम्मान शॉल से या फूल माला से होना चाहिए। तो किसी किसी को अपना नाम जाहिर करने की, बाकी तो धर्मशास्त्रों ने बताया कि सेवा तो ऐसे करो कि आपका दाहिना हाथ सेवा कर रहा है ना, बाएं हाथ को भी पता ना लगे। ऐसे गुप्त सेवा करो, अपने अंदर बस अपनी स्वयं आत्मा जाने और जिसको दिया है वही जाने। सेवा तो वैसी होनी चाहिए। मैंने परसों सेवा के बारे में बहुत विस्तार से लिया था कि तुम प्रेम सेवा से पाओगे पार, और मुख से सेवा तूने शी कहू तू अंतर आडो डाल। भले यही भाव में, यहाँ यही भाव में सेवा में लगे तो एक दिन इस यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते यही भाव पर, किस भाव पर पहुँचेंगे कि नहीं मेरे को धनी की पहचान हो गई, ये तो सब कुछ मेरे धनी का है, मेरा कुछ नहीं है कहने के लिए। तो यही भाव पर एक दिन आगे बढ़ेंगे। यहाँ धनाढ्य सेठ भैरव सेठ ने ये बात सुनी तो छुड़ाने के लिए तैयार हो गए। और अपने जो आदमी लोग थे उसको बोले कि तुम जाओ मस्कत में जाके, यहाँ अबासी बंदर का थोड़ा प्रसंग बताया, और सब बंधन में कहाँ थे? मस्कत में जाके सबको छुड़ा के लाओ। देखो श्री जी दो काम कर रहे हैं रास्ते में जाते जाते, नगर नगर, शहर, ग्राम ग्राम, कई कई अलग अलग स्थानों में आत्माओं को जगा रहे। ठीक है, जाहरी में तो ऐसे ऐसे पूरा एक गोष्ठी लगती है, वहाँ श्री जी की चर्चा की अर्चा ऐसी जोश में चलती है। तो ऐसे तो जगा ही रहे, लेकिन देखो श्री जी जाहरी बंधन में पड़े हुए को भी कैसे प्रबोधित करते हैं, जाओ उसी को भी जगाओ, वो आएगा फिर मेरी चर्चा सुनेंगे। तो फिर जो 84 लाख के बंधन में पड़ी है ना, वो भी बाद में जगेगी। जाहिरी तो जगा ही रहे श्री जी, सब कुछ कौन करवा रहा है? धाम धनी। तो देखो जाहिरी बंधन में धनाढ्य सेठ, वो जो भैरव सेठ है, वो थोड़ी छुड़वाएंगे। उस पर नजर किसकी पड़ी? श्री जी की। तभी उस दिल में विचार उठा है कि चलो मैं छुड़वा के लाओ। तो आदमियों को भेजा मस्कत में, और मस्कत में भेजकर पूछा, बोला कि जाओ वहाँ से उस लोगों को पूछो, उन लोगों को पूछो कि कितनी मुद्रा, कितनी लहारी देनी पड़ेगी। तो उन लोगों ने वहाँ जाके सब पूछा, और उन लोगों ने आके बताया भैरव सेठ को कि हे सेठ जी, 17,000 लहारी अरबी मुद्रा देनी पड़ेगी। तो भैरव सेठ ने बोला चलो कोई बात नहीं, आप ये लेके जाओ और सबको छुड़ा के कहाँ लाओ, कहाँ लाओ, अब्बासी बंदर में। तो यहाँ सब अब्बासी बंदर में पहुँचेंगे। तो आखिर की चौपाई में बताया कि महामती कहे साथ जी, ये बहुत मस्तक बीतक सो आगे मजकूर होएगा, कहो अब्बासी बंदर बुजरक। धामधनी ने अंतिम चौपाई में बताया कि मस्कत बंदर में ब्रह्मात्माओं का तो कई घटनाक्रम की लीलाओं हुई, लेकिन मैं इसी झूठी जुबान से, झूठे तन से मैं कैसे सिफत गाऊँ ब्रह्मात्मा की। ये जीव और गुण अंग इंद्री, ये अंतस्करण के माध्यम से कभी भी ब्रह्मात्मा की सिफत हम नहीं गा पाएंगे। उसकी सिफत तो कहाँ होगी, मूल, जब हमारा मूल तन मूल मिला में जगेगा तो राज्य के मुख से प्रशंसा होगी। तो सुंदर सा जी, ऐसा काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए ने, राज्य के मुख से प्रशंसा होगी मूल मिलावे में। बाकी तो राज्य ने यह भी बोला, ये जो बिरह के प्रकरण के अंतिम चौपाई में, बाकी तो धाम माहे धनी हमें, बोलिए आप, धाम माहे धनी हम ऊँचू केम जोईसु पहुँच से पवाड़ा पर आत्म मोजार। जो करने के लिए आए थे वो किया ही नहीं, तो राज्य के सामने हमारा सिर कैसे ऊंचा होगा। दावे तो बड़े बड़े मूल मिला में किए थे कि राज्य हम नहीं भूलेंगे, एक बात पर सावधान रहेगी। देखो हमने कितना प्रेम किया राज्य से, चलो ठीक है राज्य की तो दूर की बात, सुंदर साथ में भी आपस में कितना प्रेम किया। पहले सुंदर साथ को तो हम प्रेम करना सीखे, जब एक बार आपस में सुंदर साथ से हम प्रेम करना सीखेंगे, सीख जाएंगे, और एक एक सुंदर साथ के धाम दिल में राज्य की बैठक देखेंगे कि नहीं ये गरीब है, ये यहाँ का यहाँ, ये जाति नाती, ये कोई कुछ भी, कोई प्रांत का भेद या बड़े छोटे का कोई भेद नहीं देखना। बस उसी के अंदर मेरी परम धाम की बस आत्मा बैठी है, लाडली बैठी है, बस मेरे को उसको प्यार करना है। वही परम धाम में अपना सिर ऊंचा कर पाएगी। महामती कहे मलपतिया आवो निज वतन, महामती कहे मलपतिया आवो निज वतन, बिलास करो विध विध के जागो अपने तन, मेरे मीठे बोले साथ जी। क्या बताया, कैसे मलपति चाल से चल के राज्य के सामने हम सिर ऊंचा कर पाएंगे। तो यहाँ राज्य ने प्रेम से रिझाने की जो हमारी सेवा है ये बताई, और आगे अब्बासी बंदर में भैरव रहे सिरदार, अपनी न्यात छुड़ावने हुआ खबरदार। यहाँ भैरव सेठ को जो राज्य ने शोभा दी वो तैयार हो गए, और तैयार होने के बाद क्या बताया आगे कि अपने आदमियों को बोला कि जाओ मस्कत से सब सुंदर साथ को लेकर यहाँ अब्बासी बंदर में लेके आओ। अरे क्या बताया कि दान लीला अति मोटी, माथे मई माखन नो भार। तो श्री जी उस प्रकरण के माध्यम से एक चौपाई का ऐसे विस्तार से ब्रजलीला का वर्णन करें। क्या करें कि हे सुंदर साथ जी, ब्रज में राज्य कैसे कर के रूप में, टैक्स के रूप में हम गोपिकाएँ पहले मथुरा दही, माखन, घी ये सब बिक्री करने के लिए जाती थी। जब श्री राज गोकुल आए पीछे व्रज वधु मथुरा ना गई, बाद में व्रज वधु मथुरा ना गई। तो बालाजी ने क्या शुरू कर दिया कि चलो वो मथुरा तो नहीं जा रही है, मैं बीच में उसका रास्ता रोक के दान लीला की रामत करूं। तो जो गोपिकाएं सिर पर छोटी छोटी मटुकी लेकर मक्खन, घी, दही लेके आती थी, वालो जी क्या करते थे, ऐसे एक प्रेम लीला करते थे। क्या करते थे बताए तो सही कि प्रेम लीला, प्रेम सेवा वाले प्रकट की थी, तो ऐसी कर के रूप में एक प्रेम लीला करते थे। इसी बहाने वो हमको मिलते थे, गोपिकाओं को नहीं, हमको मिलते थे। किसको? हमको मिलते थे। और हमने गोकुल लीला की रामत जब देखी तभी देखा था ने कि कैसे गोप बालकों को बालाजी दे देते थे और हमारे साथ कैसी एकांत में बालोजी लीला करते थे। यहाँ बताया माथे मई माखन नो भार, वचन रंग के उथले वालते। बहुत से ऐसे अटपटे हम वचन भी बोलते थे, बालोजी भी हमारे साथ ऐसे उल्टे अटपटे वचन बोलते थे। रमता वन मंजार, और वनों के अंदर कितनी प्रेममयी, माधुर्यमयी हम लीला करते थे। वो सुख हमारे कहाँ गए, वो सुख हमारे कहाँ गए। सुंदर साथ जी वो सुख को याद करो। यहाँ व्रज लीला का वर्णन करते हैं, करते 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 सुबह को ये चर्चा शुरू हुई है। यहाँ तो 2 घंटे सुननी हो ने तो इधर उधर, फिर आगे बैठे, फिर पीछे बैठे, फिर नीचे बैठे, फिर चेयर पर बैठे। बोले श्री प्राणनाथ। समझ में आया एक एक प्रसंग क्या प्रबोधित कर रहे हैं हमको। यहाँ बताया कि सुबह से श्री जी चर्चा करने के लिए बैठे, तो जहाँ श्री जी बैठे क्या सुंदर साथ उठ पाते? तो यहाँ तो आप उठ चले जाते हैं, तो ज्योत्सना दीदी है ने, यहाँ कौन बैठे हैं? यहाँ तो ज्योत्सना में एक सामान्य कोई आए हैं भाई, सुंदर साथ चलेगा। हम कहीं भी शिस्त का, अनुशासन का पालन नहीं करेंगे, चलेगा। हमारा है ना ज्ञानपीठ, हमारी तो हमारे घर पर तो चलनी चाहिए। श्री जी सुबह सनीता दीदी बैठे हैं, हमारा शिस्त कैसा होना चाहिए। अब ये प्रशंसा आपको यही सुनना है। और चर्चा करते करते दोपहर हो गए, बस अखंड ब्रज रास की चर्चा चले। सुंदर साथ कीर्तन में इतने मग्न हो गए, और करते करते आगे राज्य बढ़े चर्चा में ब्रज की रास की। सुंदर साथ तन्मय होकर इतनी प्रेम भरी ऐसी चर्चा सुनने में इतने एक रस हो गए हैं। दोपहर का समय हुआ, भैरव सेठ ने सूचना भेजवाई कि जाओ श्री जी को उठाओ, सुंदर साथ को, कि भोजन कर ले। देखो भोजन की शुद्धि नहीं है, हम तो यहाँ शरीर की भी पूरी शुद्धि है कि किधर की ओर मोड़ना है, क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। ठीक है, थोड़ी देर के बाद कहाँ जाना ये भी अभी प्लान बना लिया है अंदर। यहाँ क्या बताया राज जी ने? कोई बात नहीं, 2 दिन के बाद चले जाना है ने, 2 दिन सुन लो, ठीक है। तब श्री जी उठ के सुंदर साथ की जमात सहित, समूह सहित भोजन आरोग्य आरोगने के बाद फिर श्री जी चर्चा करने के लिए बैठ गए। देखो आराम नहीं है, हम तो शायद 1-1.5 घंटे घुटन पे घुटन भी बुला के आए होंगे, मतलब नींद करके आए होंगे। यहाँ श्री जी फिर चर्चा करने के लिए बैठ गए, और सुंदर साथ ने जो सुन ली थी ना सुबह को, सुबह जब से चर्चा शुरू हुई दोपहर तक, तो वो कैसे रह पाते घर में शांति से? हम 12 दिन से सुन रहे, क्या लगन लगी? यहाँ ये चौपाई में बताया कि सुबह को सुंदर साथ ने सुन ली थी तो जल्द जल्द आए कि चलो फिर श्री जी की चर्चा शुरू हो गई होगी। किसी ने थोड़ा कुछ हल्का सा खाया, ये खाया, बस पहुँच गए। फिर श्री जी की चर्चा शुरू हो गई। ब्रज की, रास की और बहुत से और लोग भी आने लगे। करते करते संध्या समय हो गए, करते करते आधी रात बीत गई। देखो सुबह से श्री जी बैठे, बस दोपहर को खाने के लिए उठे, आधी रात बीत गई। श्री जी चर्चा ही नहीं छोड़ रहे, सुंदर साथ को उठने की इच्छा ही नहीं हो रही है। यही चर्चा का रस है, यही चर्चा का प्रेम है, यही चर्चा में बैठने की एक पद्धति है। फिर श्री जी ने ब्रजरास और धाम की भी चर्चा शुरू कर दी। करते करते रात हो गई, करते करते इतना नहीं सवेरा होने लगा, उजाला, सूर्य उग निकल आया। कोई सुंदर साथ घर पे गए थे नहाने, सोच क्रिया आदि के लिए, फिर वो आके बैठ गए। कोई बाहर से आए, वो भी बैठ गए। और कोई उठने के, कोई उठ रहे, कोई अभी सोए भी है। किसकी भी तक है हमारी। कोई सोए पड़े हैं, कोई उठ रहे हैं, कोई स्नान आदि के बाहर जा रहे हैं और कोई दर्शन करने के लिए आ रहे, लेकिन श्री जी तो वहीं बैठे हैं। बोलिए श्री, हमको तो सब छुट्टी है, हम जो भी करें, बाहर चले जाएं, फिर आए, फिर बैठे, फिर बाहर जाएं, फिर इधर उधर की बात बीच में कर ले, लेकिन श्री जी को तो अपनी वही राह पर चलना है। यहाँ श्री जी बस जो पोजीशन में बैठे वही पोजीशन में ही बैठे हैं। और भैरव सेठ अपने घर गए थे खाने के लिए, वो भी सुबह सुबह सब और लोगों को भी, अपने मित्र को और मंडल को लेकर साथ में आए और श्री जी के चरणों में प्रणाम किया और आके वो भी चर्चा सुनने लगे। सबको चर्चा मीठी लगी। वैसे करते करते 10-12 दिन, 15 दिन, वैसे बहुत से दिन आगे बढ़ने लगे और सबको चर्चा में इतना आनंद आने लगा, क्योंकि क्यों ना आनंद आए, स्वयं धाम के धनी चर्चा करते हो और सुनने वाले भी उसकी आत्माएं हैं, तो क्यों आनंद ना आए। उसी टाइम एक प्रसंग, घटनाक्रम बदलता है। तब तेज बाई वहाँ की महिला मंडल की लीडर थी। वो आई और आके श्री जी के चरणों में प्रणाम किया और वहाँ जो व्रज के रास के कीर्तन चल रहे थे, रामात कर ताल नीरे ए माछे वाला का विषमा, रामात कर ताल नीरे ए माछे वाला का विषमा, बेसवो उठवो फरवो ने रामवो, बेसवो उठवो फरवो ने रामवो, ताली लेवा साम सामी, रमात कर तालनी रे ए माछे वाला का विषमा, रमत कर तालनी रे ए माछे वाला का विषमा। वहाँ रामत भी गाई जा रही थी, अखंड ब्रज रास की चर्चा का निरंतर प्रवाह चल रहा था। तो तेज बाई डूब गई, उसने श्री जी के चरणों में अपना समर्पित कर दिया, मतलब वो उस राज जी के चरण कमल तेजबाई के धाम दिल में बस गए और अपने परिवार के साथ आई थी और सब परिवार ने भी चर्चा सुनी और सब आनंदित हुए। और वहाँ वो तेजबाई के साथ अपने ग्रुप की जो और महिला मंडल की बहनें थी वो भी आई, उसने भी श्री जी की अखंड ब्रज रास की चर्चा सुनी, वो भी एक रस हो गई। इतना नहीं, उसको घर जाने की इच्छा ही नहीं हुई, ऐसे एक रस होकर वहाँ डूबकर चर्चा सुनने लगी। उसका मन संसार से उदास हो गया कि बस इच्छा ही नहीं हो रही है। देखो हमारा सौभाग्य है कि इतनी दूरी से धाम धनी हमको चर्चा सुनाने के लिए, इस माया रूपी संसार से बाहर निकालने के लिए यहाँ तक आए। तो वो वहाँ ही बैठने लगी, रात दिन बस चर्चा में मस्त होने लगी। उसी को इच्छा ही नहीं हो रही है कि घर जाए। तो चर्चा कैसी होनी चाहिए, मतलब किस भाव पर सुननी चाहिए, अंदर वीरह कब जगेगा, अंदर पीड़ा कब जगेगी, जैसे ऐसे भाव में सुनेंगे ना, तब अंदर से वीरह जगेगा, पीड़ा जगेगी। तो सब सुनने लगे। और भैरव सेठ भी रोज ऐसी चर्चा सुनते थे। और एक दिन श्री जी ने उसी के अंदर भी कुछ अवगुण, कुछ बुराइयां देखी और भैरव सेठ को बोला कि भैरव सेठ, आपने बहुत हमारी सेवा की, हम इतने दिनों से हम यहाँ आए हैं, आप चर्चा, चितवनी, सेवा का ये सब सुंदर साथ के माध्यम से सुख दे रहे हो, इतने सुंदर साथ की खाने पीने की सेवा भी आपने संभाली है। तो श्री जी ने क्या बोला कि हे भैरव सेठ, मैं आपकी ऐसी कैसी सेवा करूं कि मैं आपके उपकार, वैसे तो अक्षरातीत को कोई उपकार चुकाना नहीं होता, लेकिन भैरव सेठ के अंदर जो बुराइयां देखी, अवगुण देखा, वही निकालने के लिए श्री जी ने बोला कि मैं क्या उपकार करूं कि आपकी आत्मा को पहचान हो, वो धन्य धन्य हो जाए और यहाँ बैठे बैठे पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। तो भैरव सेठ आप बोलिए। तो भैरव सेठ ने बोला कि श्री जी, आप इतने दिनों से आए हो और आप इतने दिनों से अखंड धाम की, अखंड ब्रज रास की चर्चा सुना रहे हो, इससे हमारा दिल बहुत प्रभावित हुआ है। इससे तो और इस संसार में और मैं क्या धन्य मानूं, मैंने तो अपनी जात को धन्य धन्य मान लिया है। तब जाके श्री जी ने बोला कि नहीं, मेरे पास आध्यात्मिक तत्व ज्ञान है, ये मैं देना चाहता हूँ। क्यों श्री जी ने सुंदर साथ जी ऐसा बोला? राज जी के दिल में क्या निधियां पड़ी है, सुंदर सा जी क्या सुख है, नूर, नीर, क्षीर, दधी, द्रुत, मधु रस और सर्व रस, आठों सागर और सात ही सागरों की जो विशेषता, आठ में मेहर के सागर में और आठे सागर और परमधाम के 25 पक्षों के साथ राज्य के दिल में जो मार्फती दिल है, उसी के अंदर जो सब निधियां पड़ी है, वही धनी आज किसी को चाटा मारकर समझा रहे, किसी को क्या बोल रहे कि तू मेरा ये ज्ञान लेगी। देखो राज्य कितना लाचार है हमारे सामने, दया नहीं आ रही क्या, तरस नहीं आ रही हमको धनी पर? इतने कठोर, इतने ठिठ दिल बना दिए कि राज्य ऐसे ऐसे कई प्रयास कर रहे कि वहाँ चाटा मारा और जगाया, यहाँ क्या करे कि तू जगेगी, मैं आध्यात्मिक ज्ञान दूंगा। तो देखो अकेली क्या समझा रहे हैं आप, महसूस तो करिए उस घटनाक्रम को। यहाँ के जो रिश्तेदार, पति, घर के सास ससुर जो भी है, कितना हम जी आजी जी, जी हजूर करते करते सुंदर सा जी हमें हमारा जीवन खत्म कर दिया, गंवा दिया। क्या कभी भी किसी ने घर में कोई प्रेम से भी बुलाया, इतने लाडले नाम से भी बुलाया कि अरे तुमने हमारे पीछे इस 40 साल लगा दिया है, हमारी सेवा करते करते, पालन पोषण करते करते, इतने मीठे शब्दों में कभी भी किसी ने हमको प्रेम से पुकारा? सुनिए आप, पुकारा कभी भी? क्या हमारे नाम पर कोई ऐसी छोटी सी किताब भी लिखी? ध्यान से सुनना सुंदर सा जी, मैं क्या कहना चाहती हूँ। हमारे नाम पर कि भाई तुम 40 साल से इस घर में इतनी हमारे बूढ़े माता पिता की, बच्चों की, हमारी सब सेवा कर रहे हो, परिवार के रिश्ते, सगे संबंधियों की, तो तुम्हारे नाम पर एक छोटी सी बुकलेट लिखी मैंने। ऐसा कभी भी हमारे जीवन में घटनाक्रम घटित हुआ? लिखी हमारे नाम पर? क्यों नहीं लिखी भाई? 40 साल से जिसके पीछे हमने लगाया है, माता जी जवाब दीजिए। जो प्रेम से पुकार नहीं सकता, कोई बुला नहीं सकता, ये भी पता नहीं कैसे उग्रता में बोलते, ब्रह्मात्मा तो कैसे सहन भी कर पाती। तो अभी हमने उसके पीछे लगा दिया। बहुत दर्द की बात है सुंदर साथ जी, हम कैसे मोह में बंधे हुए हैं। हमारी पिछली लाइफ कैसी होनी चाहिए, पिछला जीवन राज्य जी के चरणों में बिताना चाहिए। तो अभी मोह के, आज सुबह को स्वामी जी कमरे में बोल रहे थे कि अभी बुढ़े जो भी 50 साल के ऊपर के जो लोग हैं ना, वो खुद अपना संस्कार के हिसाब से दुखी है, इसलिए कि 50-60 साल के बाद जो अपना जीवन राज्य के चरणों में, राज्य की सेवा में लगाना चाहिए, वो रिश्ते परिवार के मोह बंधन में फंसकर ऐसे ही लगा रखे कि बच्चों चाहे पाले न पाले, चाहे वृद्धाश्रम छोड़ दे, चाहे रोज कठोर शब्द में बोलते रहे, चाहे ऐसे ही इग्नोर करते रहे, तो भी बच्चों के मोह में हम कैसे फंसे, ये सब अपने अपने को पूछ ले, मैं नहीं बोलूँगी। ठीक है, बुक तो कहाँ लिखेंगे हमारे पर, पड़ोसी को भी 2 शब्द हमारे लिए बोले तो हम इतने ऊंचे चलेंगे कि हमारे घर में ऐसी पत्नी है बहुत अच्छे संस्कार वाली, तो भी कितना हमारे अंदर गर्व आएगा। ये भी कभी नहीं बोला। देखो राज जी, हमारे लिए किताबें लिखी, ये भी एक छोटी सी कोई लाइब्रेरी में नहीं रखी। ध्यान से सुनिए, मैं बहुत दर्द वाली बात कर रही हूँ। छोटे सी कोई संस्था या कोई 4 धाम की कोई मंदिर या कोई छोटी सी लाइब्रेरी या कोई मंदिर, छोटे मंदिर की कोई लाइब्रेरी में नहीं रखी। राज जी ने पूरे संसार के धर्म ग्रंथों में हमारी साक्षियाँ लिखवा दी कि मेरी ब्रह्मात्मा ऐसी है, ये आएगी, ऐसी सुख देगी संसार को, ऐसा प्रेम करेगी, इस संसार को अखंड मुक्ति वो देगी। ऐसी सिफत गा के हमारे नाम पर राजी ने धर्म ग्रंथ लिखे। सुंदर सा जी, उसके पीछे लगना चाहिए सच में। यहां राजी क्या कह रहे हैं भैरव सेठ को कि मेरे पास आध्यात्मिक ज्ञान है, तू सुनेगा। देखो परम धाम में प्रेम में बेनियाज थी, या माया में बेनियाज है। वहाँ वो नशे में डूबी थी, या माया के नशे में डूबी है। डूबी तो दोनों नशा है, वो प्रेम का नशा था, ये माया का। तो बोले हाँ मैं सुनूंगा। राज जी कैसे, एक छोटा बच्चा हो, मानते नहीं तो हम एक चॉकलेट देते, कई बार और खिलौना दे देते कि तुम मान जाओ ने, शांति से बैठो ने। ठीक है, राज जी भी कितना प्रयास कर रहे जगाने के लिए, मैं ज्ञान दूंगा, तू सुनेगी मेरा क्या, क्योंकि उसको लगी है ना, हमको थोड़ी लग, तो बस यहाँ अच्छा लग रहा है, जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। तब भैरव सेठ को जाके श्री जी ने बोला कि मैं 4 नियम जिसका तुम संयम करो, आज से प्रण ले लो, तुम्हारे अंदर जो बुराइयां दिख रही है, क्योंकि अपने घर में जाते थे, श्री जी ने कई बार, एक बार जाके देख लिया होगा या सुना हो। श्री जी तो देखने की क्या जरूरत, तन की मन की और दिल की सब चोरी जानते हैं। ये तो मेरे को एक चर्चा के रूप में बोलना पड़ता है। बोले क्या बोले, चौपाई में कि तुम पहले मांस मछली छोड़ दो, मतलब मांस को छोड़ दो, चाहे प्राणी का हो, पशु का हो, मछली का हो, जो भी हो, वो आपको नहीं खाना चाहिए। दूसरा, कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन मत करो, शराब, गांजा, चरस, जो भी हो, कोई भी नशीले, तम्बाकू, या चौपाई में भी बताया, पीना तम्बाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, शराब और सब कैफ, पर्दारा चोरी न कब। तम्बाकू सिर्फ आदमी लोग ऐसे ही करके खाते हैं ना, सिर्फ तम्बाकू खाई नहीं जाती, पी भी जाती है, सिगारेट। ठीक है, जो अभी स्मोकिंग करते हैं ना, जो स्टूडेंट लोगों को भी मैंने बहुत देखा है, कॉलेज स्टूडेंट के एक शौक है वो स्मोकिंग करते हैं सिगारेट का, तो तम्बाकू पी भी जाती है। यहाँ क्या बताया कि तुम तम्बाकू पीना और खाना और मांस का सेवन करना और तीसरा परिस्त्री मतलब दूसरी कोई भी महिला है, मातृवत पर दारेशु पर द्रव्येशु लोष्टवत, दूसरी कोई भी महिला है, वो बड़ी हो तो मां के समान, छोटी हो तो बहन के समान देख। परिस्त्री पर तेरी बुरी दृष्टि बुरी नजर ना कर, इतना नहीं। और चौथा, चोरी ना कर मन वचन कर्म से। ऐसा नहीं कि किसी का घर तोड़ दिया और वहां चोरी करके धन संपत्ति लूट के लाए, ये नहीं। मन वचन कर्म से तू सत्य का आचरण कर, मन से भी ना चोरी कर, मन और वचन से भी चोरी ना कर और कर्म से भी चोरी ना कर, और झूठ भी ना बोल। झूठ बोलना भी एक महापाप है। तो यहां जो श्री जी ने ये 4 नियम का प्रण दिलाया, तो भैरव सेठ ने बोला कि हाँ मैं अवश्य चौकस उसका पालन करूंगा। श्री जी ने आगे बोला कि मैं 1 महीने की मुद्दत देता हूँ, 1 महीने में बस रोज तेरे को 2-3 घंटे की चर्चा सुननी है। यहाँ भी 1 महीने की बीतक चलेगी। हम सब आज प्रण कर ले, हमारे अंदर जो भी बुराइयां है, हम राज्य के भोग तो लगाते रोज घर में, अनेक भात की वानगियाँ मेवा मिठाई व्यंजन बनाते, क्या कभी हमने अहंकार का भोग लगाया? कभी हमने क्रोध का भोग लगाया? राज्य को भोग लगाना मतलब वो नहीं खाएंगे, राज्य के पास बैठ के उसको एक अंदर से अर्जी करोगे धाम धनी, आज मेरे अंदर जो अहंकार है इस कितने समय से, बस उसको तुम हल्का कर दो, निकाल दो, क्रोध निकाल दो, रोज राज्य के पास एक चीज छोड़ो। यह श्री जी ने बोला 1 महीने, तो यहाँ भी 1 महीने की बीत तक है। रोज पहले 3 घंटा में तो 1.5-2 घंटे ही सुनाते हैं चर्चा। यहाँ बोले कि इतनी देर सुननी है, 1 महीने के बाद तेरे को परब्रह्म के चरण कमल प्राप्त हो जाएंगे। जो ना हो तो तुम तुम्हारी माया मीने सहजे भोगो जो सुख, और मैं अपनी और जमात को लेकर अपनी राह पर चल पड़ूंगा। तब जाके भैरव सेठ ने बोला कि हाँ श्री जी अवश्य मैं चौकस, जो इतने सरल तरीके से अक्षरातीत की पहचान हो, झूठ के बदले साँच पाइए, खोटा साँटे साँचू मले छे, ऐसे झूठ के बदले सत्य की प्राप्ति हो, इतने सरल तरीके से जो राज्य मिले, तो मैं क्यों न करूं, अवश्य मैं चौकस करूंगा। और श्री जी ने पहले हद ब्रह्मांड की पहले दिन बात रखी। वैसे तो तीनों क्षर अक्षर और अक्षरातीत की रोज ही बात करते थे, मतलब समझाने के लिए दूसरे दिन भी रखी। और तीसरे दिन जब अक्षरातीत दिव्य ब्रह्मपुर परमधाम की बात रखी, और बात रखने के बाद क्या बताया, चलो चलो रे साथ आपण जाइए धाम। और जब परमधाम की ओर ले चले, और भैरव सेठ की आत्मा भी उसी के साथ चल रही है, बेहद का ब्रह्मांड छोड़ा, बेहद के अंदर अखंड ब्रजरास की लीला को देखते हुए केवल ब्रह्म सत स्वरूप को छोड़ के आगे परमधाम की भूमिका पर अपने दिव्य चरण कमल रखे। उसके आगे जब परिक्रमा को पसार करते करते केल के पुल, पाट के घाट, उसके आगे रोस से चलते हुए चांदनी चौक से सीढ़ी चढ़कर धाम चौक और धाम दरवाजे पहुंचे, और चौपाई में भी राज्य बताते हैं, दो कमाड़ रंग दर्पण, दो कमाड़ रंग दर्पण माहे जलकत सामी बन, नंग बेनी पर दे दिखाई, ए शोभा कहीं न जाई। दो कमाड़ रंग दर्पण। सुंदर साची, मैंने चौपाई गाई, वहां चर्चा के रूप को, मतलब चर्चा के रूप में क्या बता रहे? एक चितवनी के रूप में मानो, चर्चा के रूप में मानो कि हमारा दरवाजा देखो कैसे दर्पण रंग के, सिंदूरिया रंग की चौखट, हरे रंग की फ्रेम, दर्पण रंग के हमारे दोनों दरवाजे, और आगे प्रवेश किए 28 स्तंभ के चौक, और उसके आगे 4 चौरस हवेलियाँ। प्रथम चौरस हवेली रसोई की, 3 और चौरस हवेली को पार करके 5वीं गोल हवेली। मूल मिलावे में जब श्री जी चर्चा करते करते पहुंचे, तब भैरव की नजर खुली। बोलो श्री प्राणनाथ। तो अब किसकी नजर खुली? हमारी। बोलिए श्री, हमारी आत्मा दृष्टि खुली। वहां भैरव सेठ की आत्मदृष्टि खुली, और जो सभा में वो सुन रहे थे सीधे उठकर खड़ा हो गया। कौन? भैरव सेठ। और बोलने लगे कि श्री जी, मैं जन्म भर को छोड़िया। बोलिए श्री प्राणनाथ। क्या हम एक बार बोलेंगे श्री जी मैं जन्म भर को चाय छोड़िया? बोल पाएंगे क्या? जो भी व्यसन है हमारे सुंदर साथ जो सुन रहे होने, एक बार तो बोल दीजिए आज पंडाल में कि मैं जन्म भर को छोड़िया। ये वस्तु का निखेध, क्योंकि पाई वस्तु अखंड धाम की। आत्मदृष्टि खुल गई, अखंड धाम की वस्तु हाथ में आ गई, जन्म भर छोड़ दिया और प्रण ले लिया, बस तनी मैं आपकी सेवा में। क्योंकि एक बार आत्मदृष्टि खुल जाए फिर थोड़ा किसी को सिखाने की जरूरत पड़ती, फिर तो स्वयं अंदर से सेवा का भाव उपजने लगता। सुंदर साथ की सेवा में लग गए भैरव सेठ और हम सब। ठीक है। और चर्चा चितवनी का सुख भी भैरव सेठ सबको देने लगे। और यहाँ और प्रसंग फिर वहाँ विरोधी लोग ने एक झगड़ा खड़ा कर दिया। कौन विरोधी लोग? हर स्थान पर दज्जाल तो मोमिनों के साथ, राज्य के साथ अपनी लड़ाई करते रहेंगे, लेकिन हाथी अपनी मस्त चाल से चलता है। आसपास में कुत्ते जितने भी भौंकते रहे, लेकिन हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथी की चाल चलनी है। मोमिनों को कैसे? हाथी की चाल चलनी है। तो यहाँ श्री जी अपने मोमिनों की जमात में बैठे हैं। विरोधी लोगों ने एक झगड़ा खड़ा किया। जो महिला मंडल रात दिन वहां रहती थी, कहाँ रहती थी? सरसावा के पंडाल में। यहाँ तो 2 घंटे में अभी रसोई घर की ओर ध्यान जाएगा। कहाँ रहती थी? भैरव सेठ के घर में। तो वो लोग निंदा करनी शुरू कर दी। अंदर अपने अंदर सोचने लगे कि धार्मिक लोग कहाँ से आए गुजरात से, रोज ही 1.5 घंटे की चर्चा 2-2 घंटे तक करते रहते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। 1.5 घंटे की चर्चा 2-2 घंटे तक करते रहते हैं। कहाँ से आए? हमारी महिला वहाँ पूरा दिन तो बैठती है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन रात को भी घर पे नहीं आती है। तो चलो हम भैरव सेठ से झगड़ने के लिए जाए। वो कहाँ गए? भैरव सेठ के पास गए और वहाँ जाके बोले कि भैरव सेठ, उसी के लिए आप जिम्मेदार हो, आप दोषी हो। आपकी वजह से आपके घर में ये सब हमारी महिलाएं चर्चा सुनने के लिए आती है। देखो घर में कोई खाना भी नहीं बनाती, बनाती तो सुबह को बना लेती और शाम तक का पूरा बना लेती, वो भी ठंडा खाना पड़ता है। बच्चों की अभी परवाह नहीं करती। ऐसे ही बहुत से मतलब बहाना, जिसको नियत में खोट हो, जिसको कोई छिद्र ही खोजना है, जिसको कोई चुगली ही करनी है, तो बहाने तो 1000 ढूंढ के मिल जाएंगे। तब जाके क्या बोला भैरव सेठ ने? अरे तुम तुम्हारी पत्नियों को, लुगाइयों को अपने घर में रखो ने, मैं थोड़ी बुलाने के लिए जाता हूँ। मैं थोड़ी सब प्रांत से बुला के, यहाँ मैंने थोड़ी बुलाया, तो राज जी ने बुलाया है। अपने घर में रखो। ये सब आती है ना, जो अभी बैठी है ना, ये सब आत्म कल्याण के लिए आई है। अपने सब अपने आत्म कल्याण के लिए आई है, मैंने किसी को नहीं बुलाया है। तो वहां तो चला नहीं। ठीक है, तो कहां जाएंगे? तेजबाई के पास, लेकिन ये अंतिम जाएंगे। अपनी पत्नियों को भी घर पे आए, रोष अभी कम अंदर का नहीं हुआ था, घर पे आए, पत्नियों से झगड़ने लगे सब अपनी अपनी, और क्या बोले, अरे तुम जाती तो हो लेकिन घर में वापस फिर नहीं आती हो, वहाँ क्यों पूरा रात दिन बैठी रहती हो, चर्चा चर्चा चर्चा, क्या रखा है इसमें, कितनी बात रखूँ, समय नहीं है। कोई बात नहीं, उसकी पत्नियों ने क्या जवाब दिया ये ध्यान से सुनिए। हमारे अंदर आत्मिक बल बढ़ा रहे सुंदर साज, इधर की ओर मत ध्यान दीजिए, मैं इधर की ओर महिलाओं को बोल रही हूँ। वैसे तो हम सब आत्माएं हैं, आत्म तो सौनी एक जदी से जुझवाते दी से दे, लेकिन अभी प्रसंग घटना क्रम के अनुसार मैं आपको आत्म बल बढ़ाने के लिए बोल रही हूँ कि क्या जवाब देना चाहिए। घर में भी ऐसे कई घटनाक्रम घटेंगे, कई ऐसे हमारे सामने भी संकट आएंगे, कई कष्ट आएंगे, तभी कैसे लड़ना चाहिए। हमारे सिर पर राज्य है, बस सब कुछ राज्य पर छोड़ दो, वो सब कुछ धनी करेंगे, बस निकल जाओ। श्यामा जी निकली तो राज्य लेने के लिए आए, कौन डरे, किससे डरना, ये ब्रह्मांड तो स्वप्न का है, उसी के पास है ही क्या तो हमको डराए। तो यहाँ महिलाओं के अंदर आत्मिक बल बढ़ाने के लिए वो जो महिला सुंदर साथ वहाँ बोल रही है तेजबाई की महिला मंडल की ग्रुप वाली, तो यहाँ क्या बोला कि तुम हमको क्यों रोक रहे हो, क्योंकि भैरव सेठ ने भी बोल दिया था कि तुम चर्चा सुनने के लिए आते भी नहीं हो और सुनने के लिए आते उसको सुनने भी नहीं देते हो। तो यहाँ बताया कि तुम अपना आत्मकल्याण का तो मार्ग नहीं ढूंढते हो, नहीं सुनते हो। हमको ऐसे राज्य परमात्मा की मेहर हुई है, ऐसे सागर किनारे ऐसे सुखी ये जमीन में कौन आए हमको सुख सुनाने के लिए। ये तो हमारा नसीब, हमारी नियत अच्छी है कि देखो कितनी दूरी से ये अक्षरातीत हमारे नसीब में सौभाग्य में है कि चर्चा सुनाने के लिए आए हैं, तो तुम हमको जाने के लिए क्यों रोक रहे हो। फिर आगे क्या बोला, जो आप बहुत जबरदस्ती से हमको रोकेंगे तो आपका तो हमारा शरीर के साथ संबंध है, हमारी आत्मा के साथ नहीं, क्योंकि हमारी आत्मा तो सुनने के लिए चली जाएगी। हमारा मृतक शरीर को आप घर में रखोगे तो रख के क्या करोगे, हम तो वहाँ जाएगी जाएगी और जाएगी, और 10 तारीख को फिर वापस नहीं निकलेगी, यहाँ ही रुक जाएगी 28 तक। बोलिए श्री प्राणनाथ, हम जाएंगे नहीं यहाँ से। जो सुंदर साथ 8 दिन के लिए कोई आए हैं, कोई 10 दिन के लिए आए हैं, लेकिन वो क्या प्रण करके जाएंगे यहाँ से चर्चा सुनने के बाद कि नहीं, आज की चर्चा का प्रसंग को हमने क्या बोध लिया कि नहीं, हम 28 तक यहाँ रुक जाएंगे और उसी के बाद जो समय मिले तो हमारा भंडारा 7 तक चलता रहेगा, 1 से 7 तक, तो तब तक हम रुकेंगे, यहाँ से जाना नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिकल कब लेंगे, तब जाके वो लोगों को एक ही बस आधार था, क्या आश्रय था, तेजबाई के पास गए। और तेजबाई के पास जब गए तो तेजबाई के पास बोले कि हे, वो तो वृद्ध थी महिला, कि हे माताजी, आप वो जो महात्मा आए गांव में तो वहाँ चर्चा सुनने के लिए क्यों जाती हो। तब तेजबाई, लीडर के अंदर भी देखो कितना बल, लीडर के अंदर कितना बल, ये बताया, आगे बताएंगे धामधनी कि तुम क्यों जाती हो, अरे तुम मेरी उम्र की ओर, मतलब मेरी आयु की उम्र की ओर तो देखो, मैं तो वृद्ध हो गई, मैं तो जाऊंगी चर्चा सुनने के लिए, तुम मेरे को क्यों रोक रहे हो, तुम्हारा मेरे पर अधिकार नहीं है। आप रोकना हो तो अपनी पत्नियों को, लुगाइयों को रोको, मेरे को क्यों रोक रहे हैं। आपको जो आप पर मेरे को जो बिताना जो करना हो आप कर लो, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। और समय भी बहुत नहीं है हमारे पास, मतलब थोड़ा कुछ 15 मिनट, उसी में हमारे को एक प्रकरण पूरा करना है। तो सुंदर साथ जी यहाँ तेजबाई के पास भी भंसारी लोगों का चला नहीं। अंतिम क्या हुआ कि वहाँ बहुत से सुंदर साथ की श्री जी की प्रेम में चर्चा सुनने के लिए, इतनी प्रेम से भरी हुई चर्चा सुनने के लिए बहुत सुंदर साथ आने लगे। चर्चा भी जोश आवेश में हो रही थी, सुंदर साथ भी तन्मय होकर सुन रहे थे। और यहाँ राज जी ने बताया कि जो सुंदर साध आते थे अखंड ब्रजराज की चर्चा सुन के और धाम की चर्चा सुन के श्री जी को धन्यवाद भी देते थे। बहुत सुंदर साथ वहाँ जुड़ते हैं और श्री जी के दिल में भी विचार आया कि चलो मैं अभी यहाँ से निकलना, तो मतलब वहाँ बहुत सुंदर साथ ने तारतम ले लिया। श्री जी के दिल में विचार आया कि मेरा एक जगह बैठ के यहाँ आत्माओं की जागनी करना संभव नहीं है, मैं और आगे बढ़ूं, मैं और आगे बढ़ूं, क्योंकि सदगुरु महाराज ने पहले से बताया था कि शकुंतल सकुमार की कही सुनाई बात, मूल स्वरूप उनके हसत है, खेल में अपनी जात। पहले से सतगुरु महाराज ने बता दिया था कि शाकुंतल और सकुमार ये दोनों महान आत्माएं जो आई है उसका तुमको जगाना है। वो जब इस संसार में जग जाएगी ना तो पूरा संसार में इतना मतलब जागने का प्रचार होगा और इतना प्रेम फैलेगा, इतना प्रेम आपस में बढ़ेगा। तो ये बात पहले से सतगुरु महाराज ने बताई थी। तो यहाँ श्री जी सोच रहे कि भाई मैं अब सुंदर साथ से विदा लूँ। यहाँ भैरव सेठ को बताया और सुंदर साथ को, तो भैरव सेठ आजी जी बिलखने लगे, रोने लगे कि हे धनी, तुमने हमको पहचान करवा दी और पहचान करवाने के बाद आप हमको छोड़कर कहाँ जा रहे हो? हम आपके बिना कैसे रह पाएंगे, हम आपके बिना कैसे रह पाएंगे? आपने हमको मूल घर की, मूल धनी की, तुम्हारे स्वरूप की, मूलधनी मतलब तुम्हारे स्वरूप की और धाम की पहचान करवा दी। अब तो हमको संसार का कोई काम ही अच्छा नहीं लग रहा है, हमारा मन ही संसार की ओर नहीं लग रहा है। तो आप चले जाओगे, हम क्या करेंगे पीछे से? तो यहाँ श्री जी ने बोला कि नहीं, मैं एक ही जगह एक साल भी रुक जाऊं तो बहुत सी आत्माओं की जागनी होगी, लेकिन मेरे को तो जाना ही है। तो यहाँ मस्कत में सुंदर साथ जी 4 साल बीत गए थे। मैं ये प्रसंग को यहाँ इसलिए जोड़ रही हूँ कि आगे हम और बढ़ेंगे, क्योंकि 1722 में हम दीव बंदर पहुँचे थे, वहाँ 2 साल रहे। तो 24 की साल तो वहाँ पूरी हो गई थी, 24 की कहाँ, दीव बंदर में। फिर 4 साल मस्कत और ये अब्बासी बंदर का प्रसंग यहाँ पूर्ण होगा कि 4 साल पूर्ण हुए। और श्री जी ने सोचा कि चलो यहाँ इतने महीने तो हो गए, 3-4 महीने मैं फिर आगे बढ़ूँ, 1 साल रुक जाऊँ तो बहुत से सुंदर साथ की जागनी होगी। लेकिन शकुंतल सकुमार को जगाने का जो मेरे सिर पर उत्तरदायित्व है, मेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसी समय मूल स्वरूप ने विचार किया कि सुंदर साथ से कैसे छुड़ाऊँ, कैसे निकालूँ। तो उसी समय मैं एक क्षेत्रीय अधिकारी का स्थानांतरण हो रहा था और वहीं एक मुस्लिम अधिकारी का आना हुआ। तो वो मुस्लिम अधिकारी हिंदुओं का कट्टर मतलब विरोधी था। तो भैरव सेठ ने मन में विचार किया कि चलो अब तो वो आ रहा है, हिंदुओं का कट्टर विरोधी है, मैं अपने घर परिवार बच्चे को रखना, घर में रखना भी मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इतने सुंदर साथ और श्री जी की सेवा कैसे कर पाऊंगा और इसको कैसे रक्षा करूंगा, कैसे प्रोटेक्शन में रख पाऊंगा? तो चलो विदा करो। तो सब सुंदर साथ ने विदा किया और अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सब सुंदर साथ ने श्री जी और सुंदर साथ को क्या क्या दिया? वस्त्र, आभूषण, पैसा, धन संपत्ति दिया और सुंदर साथ वहाँ से आगे बढ़े। और एक प्रकरण है, बस 5-7 मिनट का वर्णन है कि वहाँ से श्री जी अब्बासी बंदर से आए कोक बंदर। कहाँ है? अब्बासी बंदर से कोक, वहाँ से फिर नाव चढ़े, पहुँचे लाठी बंदर, वहाँ से सीधे कोक बंदर, अब्बासी से और कोक बंदर से लाठी और लाठी से फिर ठट्ठा नगर आए और ठट्ठा नगर से अब सीधे सूरत की ओर प्रस्थान करेंगे, रास्ते में घोघा सुहाली होते हुए आगे। तो यहाँ अब्बासी बंदर का प्रसंग आगे, नलिया आएगा, सुहाली घोघा होते हुए सूरत पहुँचेंगे। लेकिन यहाँ हम एक प्रसंग 5-7 मिनट का इस प्रकरण में हम जोड़ देंगे कि वहां श्री जी जैसे ही ठट्ठा नगर में तीसरी बार आए। कितनी बार? पहले आए 8-10 दिन रुक के चले, तूफान आया, फिर आए 10 महीने रुके, फिर ये तीसरी बार ठट्ठा नगर में आए। और ठट्ठा नगर में आए, नाथा जोशी से मिलाप हुआ और बंधन भाई, ठाकुरी भाई, चिंदा दासी सब सुंदर साथ वहां मिलते हैं। और मिलने के बाद सब एक साथ सुंदर साथ जी वहाँ रसोई भी बनाते हैं और सब सुंदर साथ अपने अपने घर से कोई मेवा, मिठाई, वानगी, सब्जी ताजी ताजी लाते हैं और एक साथ सब सुंदर साथ का प्रीति भोज, भोजन प्रसाद का चलता है। और इतने सुंदर साथ आनंद लेते हैं। और इतना नहीं, आगे राज जी ने बोला कि वहाँ भी बहुत से सुंदर साथ जुड़ते हैं, निजानंद संप्रदाय में शामिल होते हैं। और वहाँ मटरी के सुंदर साथ भी आते हैं। कहाँ के? मटरी के और मटोद के, ये सब सुंदर साथ वहाँ आते हैं और श्री जी के साथ सब जुड़ते। और भी कई सुंदर साथ उसमें जुड़ते हैं और निजानंद की सच्ची राह पर वो चल पड़ते हैं। और वहाँ से श्री जी अंतिम लीला में बताया कि सब सुंदर साथ को ये चर्चा तो मीठी लग रही है, किसी को छोड़ने की यहाँ से इच्छा ही नहीं हो रही, क्योंकि 5:45 बज गए हैं, ठीक है। लेकिन राज जी ने बोला कि एक पत्र नौतनपुरी भेज दो, बाद में हम ये चौपाई दोहराएंगे। तो यहाँ से बिहारी जी को श्री जी एक नौतनपुरी पत्र भेजते हैं। उसी में दीव बंदर से लेकर नब्बी, पोरबंदर, पाटन, सबका जो जो वहाँ जागनी हुई, कितने सुंदर साथ ने तारतम लिया और कौन कौन सुंदर साथ इस निजानंद संप्रदाय की राह पर चल पड़े, ये सब समाचार भेजे। और इतना नहीं, आगे अबासी बंदर, ठट्ठा नगर, जो जो सुंदर साथ ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, आभूषण, ये पत्र पीछे से भेजे गए। लेकिन अभी थोड़ी कुछ सूचनाएं भिजवा रहे हैं। और श्यामल दास भाई, जिसका नाम था चिंतामणि, वो भी उसी समय हाजिर है। उसने भी जागनी प्रचार के जो पत्र लिखे थे वो आसपास में सब जगह सुंदर साथ जी पहुँचाया। और यहाँ बताया आगे जाके श्री जी ने कि सुंदर साथ जी मेरा जाना निश्चित हो गया, आप जितना भी कर लो, लेकिन अभी जाना तो मेरा निश्चित हो गया। मैं आगे कच्छ में जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ मैंने सूचना भेज दी है बिहारी जी महाराज को, तो वो वहाँ आएंगे, मैंने बुलवाया है वहाँ, तो मैं यहाँ से कच्छ की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। तो श्री जी वह सब सुंदर साथ को बोले कि मेरा बिहारी जी से मिलाप करना जरूरी है, मेरे को रजा दे दो। तो वहाँ से सब सुंदर साथ ने ठट्ठा नगर से रजा दी। श्री जी ठट्ठा नगर से निकले, रास्ते में लक्ष्मणपुर आया और लक्ष्मणपुर में सुंदर साथ को माया से निकाला। बोले कि सुंदर साथ जी ये माया अभी तक किसी की नहीं हुई है, किसी की होने वाली नहीं है और किसी की होगी भी नहीं। आप माया से जागृत हो जाइए। तो वहाँ सब सुंदर साथ को आगे का वितक का घटनाक्रम भी सुनाया और सबको माया से खंडनी और कठोर वचन कह के जगाया। और अंतिम चौपाई में बताया कि महामती कहे साथ जी ये वितक ठट्ठे की जान, अब याद करो नलिये को आगे कहो पहचान। श्री महामती के साथ जी, हे हमारा वाहला सुंदर साथ जी, हे मेरे लाडले सुंदर साथ जी, मैंने तुमको अब तक जहाँ से हमारी जागनी यात्रा शुरू हुई वहाँ से दीव बंदर या जामनगर से ले लो, तब से लेकर आज हमें अंतिम जो ठट्ठा नगर श्री जी सुंदर साथ की समूह के साथ पहुँचे हैं, यहाँ तक का घटनाक्रम मैंने आपको बता दिया। और कल हम नलिये के प्रसंग को ध्यान से सुनेंगे। इतना कहकर यह वाणी को विराम देंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ। हम सुंदर साथ जी चौपाई दोहराए। महामती कहे ये साथ जी ये बीतक ठठे की जान, अब याद करो नलिये को आगे कहो पहचान, आगे कहो पहचान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।